YouTube ग्रोथ पर चर्चा करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सबसे पहले आपके पॉडकास्ट के लिए किस तरह का फॉर्मेट सोच रहे हैं? वो सारी चीज़ें हमने सेटअप कर लिया है, बस आप मुझे ये बताओ कि अगर हम पॉडकास्ट चैनल शुरू करते हैं जिसको हम AI के थ्रू, मतलब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह से हम बात करेंगे, तो क्या ये चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, अगर आप AI के साथ पॉडकास्ट चैनल शुरू करते हैं तो ये मोनेटाइज हो सकता है। YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि एक निश्चित संख्या में सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम। एक बार जब आप उनके मानदंडों को पूरा कर लेते हैं तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि सामने OBS ओपन करके बैठा हूँ और OBS में मैंने एक सीन क्रिएट किया है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ यूनिक वीडियो बनाने के लिए। और मैंने क्या किया है यहाँ पे दिखा देता हूँ। कल इसके बारे में मैंने आप लोगों को सिखाया था कैमो स्टूडियो के बारे में, जिससे कि हम फेस को इस तरह से सर्कल शेप में बना सकते हैं। इसको मिनिमाइज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जिसका नाम है ChatGPT, ठीक है। इससे हम लोग बात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बात करने के लिए आ जाएगा। देखिए आ गया ना, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ रहे। अच्छा, तो क्या आप मुझे OBS के बारे में जानकारी दे सकते हैं? OBS यानी ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है। इसमें आप मल्टीपल सोर्सेज जैसे कि स्क्रीन कैप्चर्स, इमेजेस, टेक्स्ट। क्या आप मुझे कोई सस्पेंस स्टोरी सुना सकते हैं जो कि हमारे ऑनलाइन टीचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो? एक बार एक स्कूल में एक नए टीचर मिस्टर वर्मा आए। वो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और स्टूडेंट्स को नए तरीके से पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक मिस्ट्री प्रोजेक्ट दिया। उन्हें हर हफ्ते क्लूज मिलते थे जो उन्हें एक हिडन ट्रेजर की तरफ ले जाते। हर क्लू एक चैलेंजिंग पजल था जो उनके लेसन से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे स्टूडेंट्स ने क्लूज को सॉल्व करना शुरू किया और मिस्टर वर्मा की गाइडेंस से वो ट्रेजर के करीब पहुंचे। आखिरी क्लू उन्हें एक पुराने लाइब्रेरी के अंदर ले गया जहां उन्होंने एक सीक्रेट रूम डिस्कवर किया। रूम में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें स्कूल के पहले प्रिंसिपल की रिसर्च और टीचिंग मेथड्स के सीक्रेट्स थे। ये कहानी स्टूडेंट्स को टीमवर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उनके सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाती है। मिस्टर वर्मा की टीचिंग स्टाइल से स्टूडेंट्स इंस्पायर्ड होते हैं और सीखते हैं कि हर सब्जेक्ट एक एडवेंचर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। आपका स्वागत है, मुझे खुशी हुई कि आपको ये कहानी पसंद आई। अगर आपको और कुछ जानकारी या कहानी चाहिए हो तो पूछिए। एक बार मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ बोल दीजिए प्लीज। बिल्कुल। हेलो सभी सब्सक्राइबर्स, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अमेजिंग है। यहीं बनो रहिए और नए नए पॉडकास्ट का आनंद उठाइए। आप सभी का दिन शानदार हो। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। दोस्तों, ChatGPT से सवाल जवाब करने वाले वीडियो बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, यानी कि इसके लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है वो है OBS, ठीक है। OBS से ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप जानना शुरू करते हैं। तो देखिए करना क्या है, ChatGPT को इंस्टॉल कर लेंगे। ChatGPT आपके लैपटॉप या PC में इंस्टॉल होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ कैमो स्टूडियो ओपन कर लेना है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको आप अपने लैपटॉप या PC में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सिखाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारा मोबाइल का कैमरा जो है यहाँ शो होने लग जाता है। जैसे कि मेरे मोबाइल का नाम है क्रिएटर क्लासरूम, यहाँ सर्च कर लेगा और यहाँ आने लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए आ गई है। और बाकी फ्रेम वगैरह कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी कि यहाँ आपको सीन प्रीसेट वगैरह इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है।
अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में OBS को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं OBS को ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा OBS जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यूम को हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ओके, और इसको फ़िलहाल मैं म्यूट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ चीज़ों को लेकर के आना है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ और करना है कि इस तरह का फ्रेम, ठीक है, ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं इस तरह का फ्रेम ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये फ्रेम हमने कुछ इस तरह का बनाया है और फिर यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएगी। तो देखिए करना क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले OBS में इस फ्रेम को ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, वो जो फ्रेम है वो MP4 वीडियो है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मीडिया सोर्स सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम FRAME फ्रेम दे देता हूँ। उसके बाद ओके करेंगे, इसको लूप में चला देंगे और यहाँ से उस फ्रेम को ब्राउज करेंगे। ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, दिस PC में जाएंगे और उस फ्रेम को दोस्तों हमने सी ड्राइव में रखा है, सी ड्राइव में जाऊंगा। ठीक है, और इस तरह का इमेज मास्क क्रिएट कर लेना है और इसका MP4 वीडियो बना लेनी है और यहाँ ओपन कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये फ्रेम कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F प्रेस कर देना है ताकि ये चीज़ें बिल्कुल सेंटर में आ जाए और देन आपको यहाँ से लॉक कर देना है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हमें क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोमा की फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। तो इस फ्रेम के ऊपर क्रोमा की फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो इसको पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके क्रोमा की फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत ये जो लाइन है ऊपर वाली इसको आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ अपना फेस लेकर के आना है। तो फेस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से वीडियो कैप्चर, ठीक है, वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करेंगे, यहाँ पर केमो इसका नाम दे देंगे और ओके कर देंगे। बस यहाँ आ जाएगा, अभी ये हमारा लैपटॉप का कैमरा आ रहा है लेकिन यहाँ हमें केमो यूज करना है। तो यहाँ केमो सेलेक्ट करेंगे, केमो आ गया, ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो ग्रीन एरिया है इसको रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, केमो से ग्रीन एरिया को रिमूव करने के लिए केमो सोर्स को सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके इसमें भी क्रोमा की फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे। बस काम हो गया, क्लोज, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से यहाँ प्लेस कर देना है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा एरिया को क्रॉप भी कर सकते हैं, अल्ट की प्रेस करेंगे और फिर माउस से इसको इस तरह से क्रॉप कर देंगे। ठीक है, अल्ट की प्रेस करके रखना है और माउस कर्सर को डॉट पे रखना है और यहाँ से इसको क्रॉप कर लेना है और देन इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमारा फेस आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ चैट GTP को लेकर के आना है। वो कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले मिनिमाइज करेंगे और देन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है, चैट GPT एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया, इसमें अकाउंट वगैरह बनाना मैंने आपको बता दिया है, बना लेंगे। अब इसको हम लोग इस तरह से फुल स्क्रीन नहीं करेंगे, अब बस हमें क्या करना है, यहाँ ये जो आइकन है जिस पर क्लिक करके हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा और देन अब हमें क्या करना है, यहाँ से माइक को ऑन करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, OBS में जाएंगे और यहाँ इसको ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और वो क्या है, एक एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, तो यानी कि एक विंडो ओपन की हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोर्स में जाकर के विंडो कैप्चर ऐड करेंगे, इसका नाम चैट GPT, इसका नाम चैट GTP लिख देंगे और उसके बाद ओके कर देना है और यहाँ ये आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप देख लेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्लाइंट एरिया से चेक टिक हटा देना है और ओके कर देना है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अल्ट की प्रेस करके इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्रॉप कर लेंगे, साइड से भी थोड़ा सा क्रॉप करना होगा। इस तरह से क्रॉप कर लेते हैं, इधर से भी थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे से भी थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे लेकर के आना है, फ्रेम के नीचे। बस ये हमारा हो गया, और यहाँ से इसको कर देंगे लॉक। बस इतना ही आपको करना है। अब ये कुछ इस तरह से आने लग जाएगा। आप चाहें तो इस तरह का रख सकते हैं, या तो दूसरे तरीके का रख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि फ्रेम के नीचे का काम हो गया है, और अब बाकी का आप यहाँ से कर देंगे। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप OBS या किसी एडिटिंग टूल की बात कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें बोल रही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका आवाज़ कैप्चर करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से एप्लीकेशन का आवाज़, यानी कि हमारा जो ChatGPT एप्लीकेशन है उसका आवाज़ कैप्चर करना है। तो यहाँ पे हमें सोर्स में जा कर के एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर को ऐड करा देंगे, और उसके बाद वॉइस इसका नाम दे देना है, और उसके बाद कर देना है ओके। ठीक है, और यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ से ChatGPT सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे ये इसका आवाज आएगा जब ये बोलेगा। OBS में यदि आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का ऑडियो कैप्चर करना है, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। 1, प्लस आइकन पर क्लिक करें जो सोर्सेस सेक्शन में होता है। 2, एप्लीकेशन ऑडियो कैप बीटा सेलेक्ट करें। 3, एक नाम दें और एड न्यू को चुनें। यहाँ से अपनी इच्छित एप्लीकेशन सेलेक्ट करें जिसकी ऑडियो आप कैप्चर करना चाहते हैं। 5, सेटिंग्स को सेव कर दें। इतना करने के बाद उस एप्लीकेशन का ऑडियो OBS में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे हमने ऑडियो वगैरह ऐड कर दिया, इसमें ऑडियो भी आ रही थी उनकी। अब यहाँ पे ये माइक ऑडियो है, इसको ऑन करेंगे, बाकी AI वॉइस को ऑन करेंगे, बाकी को क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ दो ही वॉइस रहेगा, एक AI वॉइस जो कि हमने यहाँ पे सोर्स में जा कर के एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर से ऐड किया है। ठीक है, ये हो गया, और इसको इस तरह से वॉइस बढ़ा देंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जितना रहता है उतना कर देना है, और अपनी आवाज़ को भी थोड़ा सा कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ज़्यादा रखेंगे तो फिर आवाज़ फटने लगेगी। अब यहाँ से अपनी ऑडियो को ऑन कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आप इससे चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मिनिमाइज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल में इसको कहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल किया, गूगल प्ले स्टोर से। तो उसी तरह से लैपटॉप या PC में कोई भी एप्लीकेशन, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है स्टोर। ठीक है, यहाँ भी स्टोर ही होता है, लेकिन ये स्टोर दूसरा होता है, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ठीक है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करना है, और जिस तरह से गूगल प्ले स्टोर ओपन होता है उसी तरह से ये भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार आएगा, तो अब आपको जो भी एप्लीकेशन चाहिए, जो भी आप डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ सर्च करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं ChatGPT सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ChatGPT, तो यहाँ ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए सेम वैसा ही आइकन है ना। तो यहाँ आपको सर्च कर लेना है, और फिर ये आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ गेट लिखा हुआ है, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल लिखा हुआ आता है या गेट लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे। डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और देन आपको क्या करना है, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ भी आपको लॉगिन और साइनअप करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहां से साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। यहां से आप जो है कंटिन्यू विथ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं कंटिन्यू विथ गूगल कर देता हूं, और फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर कुछ डिटेल वगैरह मांगता है तो आप दे देंगे, और ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
ये वाला, ठीक है, कि क्या आप इसको ऐप में यूज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हाँ ऐप में यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ चेक टिक लगा देंगे और ओपन चैट जीपीटी, ठीक है, वो ऐप ओपन होगा। देखिए अब ये ऐप में आ गया, ठीक है, पहले ये वेबसाइट में पहले ये वेबसाइट पर चला गया था, लेकिन अब क्या हो गया, ये ऐप के ऊपर आ गया। ये हम क्यों कर रहे हैं, वेबसाइट में भी तो इसको यूज कर सकते थे, ये काम ब्राउजर में भी कर सकते थे, करते आ रहे हैं, लेकिन ऐप में क्यों करना है, बता देता हूँ कि मैं इसको क्यों यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे अल्ट और स्पेस, तो ये कह रहा है कि अल्ट के साथ अगर आप स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके लैपटॉप या पीसी में क्विकली जो है ना ये चैट जीटीपी ओपन हो जाएगा, और फिर जो चीज़ें आपको पूछना है, जो चीज़ आपको करना है, फटाफट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अगर मैं अल्ट के साथ स्पेस प्रेस करूँगा तो ये लॉन्च हो जाएगा, और फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ पे ये जो लिखा हुआ, यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है अपने लैपटॉप या पीसी में चैट जीटीपी ऐप इंस्टॉल करने का। ये सारी चीज़ें हो गई, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इससे बात करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए OBS में ये यहाँ पे शो होगा, नहीं होता है तो आपको क्या करना है, चैट जीटीपी वाले विंडो पे आना है और यहाँ क्लिक करके इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना। हेलो गुड मॉर्निंग, देखिए ये नहीं हो रहा है, हाँ अब ये एक्टिवेट हो गया, लगता है कोई फीचर या सेटिंग एक्टिवेट हो गई है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुप्रभात राजीव, कैसे हैं आप आज? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आज आपके दिन की क्या योजनाएं हैं? मैं अपना ट्यूटोरियल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी से बात कैसे करें। ये तो बहुत बढ़िया है, अपने दर्शकों को चैट जीपीटी के बारे में जानकारी देना एक अच्छा तरीका है उन्हें नई तकनीक से परिचित करने का। क्या आपको इस वीडियो के लिए कोई खास टिप चाहिए? नहीं, मैं आपके साथ पॉडकास्ट शूट करना चाहता हूँ, क्या आप रेडी हैं? पॉडकास्ट शूट करना तो बहुत मजेदार रहेगा, मैं तैयार हूँ। आप किस तरह की चर्चा करना चाहते हैं? मैं YouTube ग्रोथ के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, YouTube ग्रोथ पर चर्चा करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सबसे पहले आपके पॉडकास्ट के लिए किस तरह का फॉर्मेट सोच रहे हैं? वो सारी चीज़ें हमने सेटअप कर लिया है, बस आप मुझे ये बताओ कि अगर हम पॉडकास्ट चैनल शुरू करते हैं जिसको हम AI के थ्रू, मतलब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह से हम बात करेंगे, तो क्या ये चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, अगर आप AI के साथ पॉडकास्ट चैनल शुरू करते हैं तो ये मोनेटाइज हो सकता है। YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि एक निश्चित संख्या में सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम। एक बार जब आप उनके मानदंडों को पूरा कर लेते हैं तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, YouTube चैनल को ग्रो कैसे करना है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए कुछ खास टिप्स हैं। पहला, नियमित और गुणवत्तापूर्ण सामग्री पोस्ट करें। दूसरा, अपने दर्शकों के साथ जुड़ें, उनके कमेंट्स का जवाब दें और उनसे फीडबैक लें। तीसरा, वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल आकर्षक बनाएं ताकि लोग क्लिक करें। चौथा, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपने वीडियो शेयर करें। अंत में ट्रेंडिंग टॉपिक्स और कीवर्ड्स का उपयोग करें ताकि आपका वीडियो खोज में ऊपर आए।